कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फर्स्ट इक्वेशन CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 डिनोटेड, यहाँ पे सेकंड पे BR आपको दिया हुआ है ओके तो यहाँ पे पहले क्या बोला था कि नंबरिंग करो, नंबरिंग कैसे करेंगे नंबरिंग, तो CH3 CH2 CH CH3 BR ये आपको दिया हुआ है, इतना ये BR आपको दिया हुआ है, तो इतना आपको दिया हुआ है तो इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, तो ये वाला जो नंबर है ना वो लोएस्ट पार्ट से आना चाहिए, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। फिर ये कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो चार कार्बन से क्या बनता है ब्यूटेन, चार कार्बन से क्या बनता है ब्यूटेन। यहाँ पे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन किस नंबर पे, दो नंबर पे, तो 2, और ब्रोमीन में जो ब्रोमो लगता है वो कहाँ पे लगता है, प्रीफिक्स में लगता है कि सफिक्स में, तो ब्रोमो प्रीफिक्स में लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रोमो, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रोमो, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, क्या नाम हो गया 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। फिर से कार्बन कितने, 4, चार कार्बन, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो चार कार्बन, तो चार कार्बन से ब्यूटेन हो गया। फिर एक नंबर 2 3 4, और दो नंबर पे क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन पे ये दिया हुआ है आपको, तो ये ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन कौन से नंबर पे है 2, तो सेकंड नंबर पे आपको ब्रोमीन दिया हुआ है, तो ये ब्रोमीन दे दिया है यहाँ पे, तो 2 आगे आ गया ब्रोमीन का, आगे ब्रोमो आ गया, और ये चार नंबर में से ब्यूटेन आ गया ओके। तो अब चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो सी वाला ले लेते हैं, तो CH2 CH3 CH2 CH2 CHO, तो अभी आप काउंट करो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, तो चार कार्बन, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, क्या आता है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन तो पीछे एनाल लगता है, क्या लगता है एनाल, तो उसको बोलते हैं ब्यूटेनाल, क्या बोलते हैं उसको ब्यूटेनाल, तो यहाँ पे देखो ब्यूटेनाल का नाम दे दिया है ओके। फिर ये चलो ये वाला ले लेते सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अभी देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है इथेनोइक एसिड, एंड इसको क्या बोलते हैं इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड में क्या आता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो हम पीछे लगता है एनोइक एसिड, क्या लगता है एनोइक एसिड। अब कार्बन कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4, तो चार कार्बन, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन नाम सही है चार कार्बन वाला, पीछे लगता है एनोइक एसिड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अगेन ये है डबल बॉन्ड और ये है ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पता है वो अल्किन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा होता है अल्काइन होता है। डबल बॉन्ड, अब कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन मीन्स पेंटेन, पांच कार्बन मीन्स पेंटेन, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, डबल मैन डबल बॉन्ड मीन्स अल्किन, डबल बॉन्ड मीन्स अल्किन, तो पेंटेन का पेंटिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटेन का पेंटिन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटिन का पेंटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटाइन। फिर यहाँ पे डी में देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या नाम है, तो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, तो कार्बन में कार्बन चार है, तो उसको बोलते हैं ब्यूटेन, क्या बोलते हैं ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे ओ एन ई पीछे क्या लगता है ओ एन ई, और यहाँ पे बॉन्ड का किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे, तो देखो ब्यूटेन इसको ऐसे लिखते हैं, ब्यूटेन पहले लिखा, पहले ब्यूटेन कार्बन जो नंबर था वो किस पे था 2 पे, और पीछे ओ एन ई, तो ब्यूटेन 2-1 ओके, तो ब्यूटेन 2-1, तो ये ट्यू ब्यूटेन 2-1, या तो इसको ब्यूटेनॉन भी बोलते, क्या बोलते हैं 2-ब्यूटेनॉन, क्या बोलते हैं उसको 2-ब्यूटेनॉन, क्या बोलते हैं इसको 2-ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं, तो ऐसे किसी का भी नंबरिंग हम कर सकते हैं ये ओके। तो यहाँ पे ब्रोमीन दूसरे पे था, तो 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, फिर यहाँ पे हाँ ये रह गया बी, ये कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन है, पांच कार्बन मीन्स पेंटेन, पांच कार्बन मीन्स पेंटेन। फिर यहाँ पे OH कितने नंबर पे है, तो देखो कम से कम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3, तो दोनों साइड से कितना आ रहा है 3 पे आ रहा है, तो दोनों पे स्मॉलेस्ट नंबर ही है ना, तो 3 पेंटेन यहाँ तक सही है, लेकिन पीछे क्या लगेगा, तो OH है, जब भी OH पीछे आता है तो OH पीछे होता है तो क्या लगता है उसमें,
ओ एच पीछे होता है तो उसमें अल्कोहल मीन्स एनॉल लगता है, क्या लगता है एनॉल, तो पैंटेन का क्या बन जाएगा पैंटेनॉल, क्या बन जाएगा पैंटेन का पैंटेनॉल, तो टू कहाँ पे थ्री पे है ना, तो थ्री पैंटेनॉल क्या हो जाएगा थ्री पैंटेनॉल, या तो कीटेन के जैसा लिखना हो ना आपको कीटन, तो देखो इसमें पैंटेन ब्यूटेन आगे लिखा था तो इसने पैंटेन आगे लिखा, यहाँ पे टू पे था तो यहाँ पे थ्री पे, यहाँ पे ओ एल ही लिखा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं, हमको ऐसे ही याद रखना है थ्री पैंटेनॉल और ट्यू ब्यूटेनॉल, ये बीच वाला नहीं याद रखना है, थ्री पैंटेनॉल एंड टू ब्यूटे नॉन, ओके आप ऐसे ही बना सकते हो। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसका आइसोमर, तो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर, ओके।